अद्भुत सकल सृष्टि करता सत्य ज्ञान सृष्टि जग हित धरता अतुल तेज तुम्हारो जगमाही कोई विश्व मही जानत नाही। देखिए ये सारी लाइनें थी भगवान विश्वकर्मा के लिए, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है और आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं। तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और देखिए आज की वीडियो में जो है, यानी कि आज 17 सितंबर के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर चर्चा करेंगे, और देखिए साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सभी उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि Formula 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है। तो देखिए इस Formula 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता लुइस हैमिल्टन ने। और दूसरा था कि सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ में आधिकारिक स्तर पर एक द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्री बैठक आयोजित किया। तो देखिए भारत ने ये बैठक जो है अमेरिका के साथ की थी। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की। तो देखिए स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना को शुरू किया है ओडिशा की राज्य सरकार ने। और चौथा प्रश्न था कि किस व्यक्ति को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। तो देखिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के जो चेयरमैन चुने गए हैं इनका नाम है सुभाष कामत। और पांचवा था कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इस खिताब को जीता है डोमिनिक थीम ने। और जो आपका US ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, तो उसको देख के परसों का वीडियो देख के जो इसको रिवाइज करा लीजिएगा। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए जो आपका विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के हों या फिर GS के हों, एग्जाम में जो है बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और इससे पूरी दुनिया में जो है जो आपका वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग ठीक है हाईलाइटेड है, और इससे रिलेटेड सारे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस के रूप में। और देखिए जो आपका विश्व ओजोन दिवस 2020 है तो इसकी थीम रखी गई है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है यह रखेगा कि 2020 के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और ये जो आपका ये 35 ईयर यहाँ पर लगाया गया है, तो देखिए ये जो है वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए इसके आगे लगा दिया गया है 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो कभी के देखिए एग्जाम में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में केवल ओजोन फॉर लाइफ यानी कि जीवन के लिए ओजोन ही आपको थीम के रूप में मिल सकता है। ठीक है तो ये पूरा याद रख सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसको याद रखिएगा कि कितना एग्जाम में इसका एक अंश के तौर पर जो है थीम जो है पूछा सकता है। देखिए पहली बार जो आपका विश्व ओजोन दिवस है ये साल 1995 में मनाया गया था, और ये दिवस जो है दुनिया को ओजोन के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है हर साल। ओजोन लेयर कहाँ पर पाया जाता है यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मैं ले चलता हूँ डायग्राम में। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद जो एक लेयर है 0 से 10 किलोमीटर तक के एरिया में, तो उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद फिर एक और लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं। तो आपका देखिए इन दोनों के बीच में एक पतली सी लेयर पाई जाती है ओजोन लेयर की, ठीक है हमारे पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में ऊंचाई पर। और ये जो आपकी यहाँ पर वाइट वाली जो लेयर दिख रही है आपकी ओजोन लेयर की है, और ये कर दी क्या है देखिए जितने भी मतलब हानिकारक रेज होते हैं जैसे कि अल्ट्रा वाइल्ड रेज हो गए UV रेज स्पेशली, तो उनको ये ओजोन लेयर रुकती है रास्ते में। अगर ये डायरेक्ट अल्ट्रा वाइल्ड रेज हमारे पृथ्वी पे आने लगे तो पृथ्वी पे जो मानव है उसकी उसको जो है स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है इसके रेडिएशन से। तो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, जितने भी हानिकारक रेडिएशन होते हैं स्पेशली जो आपका UV रेज होता है उसको जो है फिल्ट्रेशन काम करता है ओजोन लेयर। और ये ओजोन जो है इसको हम O3 कहते हैं, ठीक है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए जो आपका ओजोन परत है, ठीक है तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, और ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों
फेदरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने की थी। और देखिए जो आपका ओजोन यानी कि O3 होता है, ये ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, O3। और देखिए जो आपका ओजोन दिवस है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 1994 को जो है अनाउंसमेंट किया था कि अब हर साल 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। किस लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, इसलिए क्योंकि ओजोन लेयर के बारे में लोगों को इसके महत्व के बारे में पता चल सके। और उसके बाद से फिर यानी कि 1994 के बाद जो अगला वर्ष आया 1995, ठीक है, तो 16 सितंबर 1995 को पहली बार फिर विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, यानी कि 94 में अनाउंसमेंट हुआ और 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। और देखिए हमारा एक वीडियो है वायुमंडल का, वायुमंडल की संरचना, तो उसमें मैंने ओजोन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है और पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। उस वीडियो के लिंक आपको मैं दे दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को कम्प्लीट करने के बाद उस वीडियो को देख डालिएगा। और वो वीडियो फुल्ली NCERT के डाटा पर रिलेटेड है और वहाँ पर जो जो आंकड़े हैं, ठीक है, जैसे कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, बहुत सारी उसमें यूनिक इन्फॉर्मेशन है, उसको आप नोट कर सकते हैं और 3 से 4 नंबर एग्जाम में गेन कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, पहले इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सदाशिव रावजी पाटिल का 86 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो देखिए जो आपके सदाशिव रावजी पाटिल हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे और जो आपके पाटिल जी हैं इन्होंने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और जो आपके सदाशिव रावजी पाटिल हैं तो देखिए 1952 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए कुल 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाने के अलावा इन्होंने 83 विकेट भी लिए हैं और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की जो है कप्तानी भी की है। देखिए रणजी ट्रॉफी क्या है ये मैंने आपको बताया था अभी प्रैक्टिस सेट 9 या 10 में शायद बताया था रेलवे का। देखिए रणजी ट्रॉफी के बारे में सबसे खास बात है कि महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा जो है रणजी ट्रॉफी जीती है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी कि DTTI समूह की जो है 10वीं बैठक का जो आयोजन है ये किया गया था। और आप बता दूँ इस बैठक में यानी कि इस रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक में जो है भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने और अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव LNM Lord ने जो है इस बैठक की सह अध्यक्षता की। और एक खास बात और है कि इस बैठक का कोई आयोजन स्थल नहीं रहा क्योंकि ये बैठक जो है ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल आयोजित की गई थी दोनों लोगों ने, यानी कि जो आपके राजकुमार जी इन्होंने और अमेरिका के जो रक्षा विभाग के सचिव हैं LNM Lord, तो इन दोनों ने जो है अपने अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक का जो है आयोजन किया था, ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है, ठीक है, तो इसमें जो है कुल 9% के संकुचन का अनुमान लगाया है। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एशियाई विकास बैंक है, इसने कहा है कि 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष होगा इसमें भारत का जो GDP ग्रोथ रेट होगा ये माइनस में नेगेटिव होगा, कितना होगा, -9%। हालांकि जो आपका ADB है इसने एक गुड न्यूज़ भी दिया है, इसने कहा है कि जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2021-22 का, तो इसमें जो भारत की GDP है इसमें जो है 8% वृद्धि की उम्मीद मतलब इसने जताई है, ठीक है, इसने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितनी रहेगी, 8%, और ये पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव में नहीं रहेगी, ठीक है। और देखिए इसके अलावा जो आपका ADB है इसने 2020 में एशिया के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रखी है -0.7%। और आपको बता दूँ ये जो आपका अनुमान है एशिया के लिए, ठीक है, तो ये 1962 के बाद पहला ऐसा मौका है जब जो है एशिया रीजन जो है आपका यानी कि एशिया जो महाद्वीप में जितने देश हैं तो टोटल मतलब उस रीजन की हम बात कर रहे हैं तो उनकी जो आर्थिक वृद्धि दर है ये नेगेटिव में रहेगी। तो भारत की नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं सबकी अर्थव्यवस्था जो है नेगेटिव आ गई है क्योंकि देखिए सभी लोग क्या कर रहे हैं अभी अपनी GDP मतलब प्रोडक्शन तो पूरा बंद ही हो गया था तो जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर GDP तो लो जाएगी ही, सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं
और सरकार का जितना पैसा है ये देखिए ग्राम पंचायतों में और जनता में ऐसे बढ़ रहा है, मतलब एक तरीके से कहा जाए भूजे की तरह। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो है जीडीपी रेट जो है वो आपकी कम हो गई है पूरी दुनिया में। और देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं जिसने ये अनुमान जारी किया है। देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय आपका है फिलीपींस के मांडुलियांग में और इसके प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अस्कावा। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 की थी। मेंबरशिप है 68 कंट्रीज़ के पास। पांचों प्रश्न की थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं A to Z, चाहे UPSC हो, SSC, बैंक, रेलवे, PCS कोई भी हो, उसमें आपको ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न मतलब देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। देखिए आपको आज ये डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। देखिए जो आपका थॉमस कप है और उबेर कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है और इसके बारे में करेंट न्यूज़ क्या है? देखिए हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने जो है डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को जो है 2021 के लिए स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस के खतरे के कारण। देखिए जो आपका थॉमस कप है और उबेर कप है इसमें अंतर क्या है? देखिए थॉमस कप जो है ये आपका वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप होता है, इसमें पुरुष खेलते हैं। और जो आपका उबेर कप होता है ठीक है, तो इसमें जो है वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर ये वुमेन होता है, यानी कि ये जो है महिलाओं का बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, इसमें महिलाओं की टीमें खेलती हैं। तो थॉमस कप में लड़के खेलते हैं और उबेर कप में लड़कियां खेलती हैं। और देखिए जो आपका ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसने ये कहा है कि 2021 में अब आयोजित होगा थॉमस कप और उबेर कप 2020 में आयोजित नहीं होगा। तो देखिए इसकी स्थापना यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। अध्यक्ष इसके हैं वर्तमान में पॉल एरिक होयर लार्सन। और वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसका मुख्यालय ही एग्जाम में बहुत पूछा गया है ठीक है, याद रखिएगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। और छठा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री इनका क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। तो इन्होंने अभी हाल ही में यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अभी हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। और ये अभियान 2 चरणों में चला जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर 2020 तक जो है चलेगा। और सातवां प्रश्न की पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए जो आपका पेटीएम फर्स्ट गेम्स है इसने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म जो का पेटीएम है जिसे आप पैसे वैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आजकल ठीक है, तो पेटीएम की एक सहायक कंपनी, इसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसको शॉर्ट में PFG नाम दिया गया है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि सचिन तेंदुलकर जो है ये गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG यानी कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को जो है प्रोत्साहित कर सकें। और देखिए उनका पेटीएम कंपनी है तो पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर और संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी। पेटीएम का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और आठवां प्रश्न की केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो देखिए जो भारत का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है इसने बिहार में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए टोटल 16 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। और देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल ठीक है, तो इन्होंने भी हाल ही में जो आपका ये प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाला जो 16 सदस्यीय समिति है तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो है KN दीक्षित को अपॉइंट किया है। KN दीक्षित कौन है? KN दीक्षित जो है ये इस पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे ठीक है, यानी कि इस प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले 16 सदस्यीय समिति के जो है ये अध्यक्ष होंगे। और ये समिति क्या काम करेगी? देखिए ये समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी और ये दुनिया भर के अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगी। तो ये आप अपडेट जो है नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न कि हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले
एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो आपका लोकसभा है इसने कहा कि जितने भी सांसद हैं आप सबके सैलरी से जो है टोटल 30% जो है कटौती की जाएगी एक वर्ष तक, ठीक है। और इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए। 10वां प्रश्न की फोर्ब्स 2020 की हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2020 लिस्ट के अनुसार फुटबॉल की दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए दुनिया के जो सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं इनका नाम है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो है आपके अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और लियोनल मेसी जो है देखिए ये लगातार दूसरे वर्ष जो है सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। और देखिए फोर्ब्स ने जो अभी हाल ही में लिस्ट जारी की है 2020 की, ठीक है, तो इसमें लियोनल मेसी $126 मिलियन यानी कि लगभग 927.5 करोड़ रुपए के साथ जो है टॉपर बने हुए हैं। तो इनकी कमाई यहाँ पे आपको सामने दिख रही है $126 मिलियन। और लियोनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, याद रखिएगा, और ये जो है वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में चीन ने पीत सागर, देखिए पीत सागर मतलब हो गया पीला सागर, मतलब जो आपका येलो रिवर है कहाँ का, चाइना का। तो हाल ही में चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो देखिए अभी हाल ही में एक पानी के जहाज से जो है उस पर जो एक रॉकेट था उसके जरिए चीन ने टोटल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। देखिए सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह, ठीक है, और वो भी कृत्रिम उपग्रह, ओरिजिनल वाला तो भी लॉन्च होगा। देखिए जो आपका चाइना यानी कि चीन है इसने लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10वें सदस्य लॉन्ग मार्च 11HY2 से जो है इन उपग्रहों यानी कि 9 उपग्रहों का परीक्षण, और ये 9 उपग्रह जो है ये GLIN-1/GAOFES-03-1 समूह से संबंधित है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि चीन ने येलो रिवर यानी कि जो आपका पीत सागर है, ठीक है, तो पीत सागर में तैनात एक बोट से जो है एक रॉकेट के जरिए हाल ही में टोटल 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया। 12वां प्रश्न की हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ मिलकर कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ मिलकर जो है अब हाल ही में एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए जो SBI जनरल इंश्योरेंस है और यस बैंक है तो इनके बीच ये साझेदारी ग्राहकों को गैर जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने और उनके लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए ग्राहक मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। इससे पहले आपको बता दूं कि जो आपका रेलवे का प्रैक्टिस से चल रहा है तो कल मैंने उसका 11वां वीडियो अपलोड कर दिया है और उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें इतिहास के बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि पिछले रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए, किस व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, इसका आंसर बताइए। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और आपको लाइक करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है, और लाइक करने का कोई चार्ज भी नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका नाम बताइए। 14वां प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, उत्तर बताइए। और 5वां प्रश्न है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर्स ये सब होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और देखिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।